आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स फैमिली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेव कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक वेव है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। सो अगर हम कंसिडर करें कि कोई एक पार्टिकल है पॉइंट पी पर, तो इस पॉइंट पी पर एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो पार्टिकल जो पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, इस पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो हमने वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, और जो के है, इस के को हम बोलते हैं प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस के को हम प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जो इक्वल होता है किससे, 2π/λ से। हियर के इज कॉल्ड प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2π/λ से। अब अगर हम इस इक्वेशन को वन कंसिडर कर ले और इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर दे, या यूं बोले इसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग टी एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, टी को कांस्टेंट रख के अगर हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बात ए इक्वल होगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ ये इक्वेशन मिलेगा। अब फिर से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग टी एस कॉन्स्टेंट, देन वाट वी गेट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वी कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए के माइनस के इंटू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस पॉजिटिव और ये एक माइनस, तो ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लेंगे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर वन को टी के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दे एक्स को कॉन्स्टेंट रख कर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए इंटू इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हुआ ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट ओमेगा, और डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर हम डेल वाई बाई डेल टी को फिर से टी के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दे कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, देन वॉट वी विल गेट, वी गेट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दिस कैन बी इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए
ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला है, इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलता है, कुछ इस तरीके का डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऑब्वियसली बात है ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस ए के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के होल टू द स्क्वायर। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो के है, ये के इक्वल है किससे, 2π/λ से। तो अब ऐसी बात है ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं, ओमेगा इक्वल होता है किससे, 2π/n से, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम यहाँ पर ओमेगा बाई के का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2πn डिवाइडेड बाई 2π into λ, 2π कैंसिल आउट और ये इक्वल होगा किससे, n लैम्डा से, ठीक है। और n इंटू लैम्डा ये इक्वल होता है v से, जिसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। ये जो वेव वेलोसिटी है ये प्रोडक्ट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ का। सो हम इसे यहाँ पर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर और ये इक्वल हुआ किससे, वी स्क्वायर से। सो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। सो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया वेव मोशन का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।